पीने लायक है एकदम। लोग यहाँ से इनके ऊपर ही भोले बाबा का मंदिर है और ये पानी पैरा धोने के लिए नहीं है जो कि आपको उधर दिखाया, अभी मतलब एकदम फ्रिज के जैसा ठंडा रहता है। जय हिंद जय भारत, मेरा नाम है राहुल और मैं कर रहा हूँ साइकिल से भारत यात्रा और मैं अभी हूँ जम्मू में, जो कि मैं यहाँ पे 2 दिन से हूँ और मुझे एक बात पता नहीं चला क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक सख्ती चीज़ है जो कि मुझे अभी जाके पता चला। तो मेरे को लगा कि अभी पता चला है तो मेरे को उसका वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि ऐसा मतलब फर्स्ट बार मैं देखा हूँ कि ऐसा कुछ भी मतलब अपने आँख से मैं फर्स्ट बार देखा हूँ। तो मेरे को लगा कि आपको भी दिखाना चाहिए क्योंकि एक जगह मतलब काफ़ी जादुई जगह है, तो आपको जगह दिखाता हूँ। वो जगह है जो कि इसके अंदर है और हम लोग का 2 दिन यहाँ से है लेकिन अपने को पता नहीं चला था कि यहाँ भी ऐसा कुछ भी जगह है ऐसा। तो अभी आपको अंदर चलता हूँ और अंदर देखता हूँ कि ऐसा क्या चीज़ है अंदर जो कि यहाँ पे आपको चलता हूँ पहले अंदर और पहले आपको ये देख सकते हैं, आपको ये दिखाता हूँ। पहले तो आप ये देख लो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अंदर तो आपको दिखाता हूँ कि इसमें ऐसा क्या है कि ये एक शक्ति पीठ है जो कि किसी को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है बट अपने को पता चल गया कि तो ऐसा कुछ है कि यहाँ पे जो है ये तो देख सकते हैं ये पानी है कि जो कि एकदम ठंडा पानी है और ये पानी कभी भी जो है ख़त्म नहीं होता है, मतलब ख़त्म होता है पूरे दिन जो है ये भर जाता है उसके बाद रात होते ही पानी ख़त्म हो जाता है और ये हमेशा एकदम पानी जो है वो ठंडा रहता है और कभी मतलब एकदम फ्रिज के जैसा ठंडा रहता है। अपने को पता भी नहीं था, जैसे पता चला तो मेरे को लगा कि आपको मेरे को ये वीडियो बनाना चाहिए। और पानी ये पीने लायक है एकदम, लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं पीते हैं और ये नहाने के लिए नहीं है, पैर धोने के लिए नहीं है जो कि आपको उधर दिखाया लिखा हुआ पड़ा था। और ये जो है एक शक्ति है मतलब कि यहाँ पर एक भोले बाबा का मंदिर है जो कि जस्ट यहाँ से इनके ऊपर ही भोले बाबा का मंदिर है और ये पानी जो है ठंडा पानी और जो यहाँ से देख सकते हैं कितना क्लीन पानी है जो कि इसके अंदर से आता है, कुछ नहीं है नल और कुछ नहीं लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं मोटर लगा हुआ है, यहाँ से पानी जो है ऊपर भी खींचा जाता है दूसरे जगह पे। और ये जो है एक कभी भी पानी ख़त्म नहीं होता है। और एक चीज़ आपको और दिखा दूँ कि यहाँ पे पानी है बट इसके पीछे इधर एक बहुत ही बड़ा पानी जाने का एक जगह है जो कि वो सूखा पड़ा है, तो आपको मैं वो चल के पहले दिखाता हूँ। तो ये देखो ये साइड देखो, देख सकते हैं ये जो है सूखा पड़ा है और इधर जो है यहाँ पे देखो ये रहा, ये पूरा सूखा पड़ा है क्योंकि ये पुल है ब्रिज और यहाँ पे जो है पानी होना चाहिए बट यहाँ पानी नहीं है। और इसके जस्ट बाजू में ही इसके नीचे यहाँ के नीचे जो है पानी है जो कि वो पानी दिन में भर जाता है और रात को ख़त्म हो जाता है, वो भी पूरी ठंडा है। अब वो पता नहीं कैसे आता है नहीं आता है वो मुझे नहीं पता बट ऐसा होता है। अभी तक मैंने सुना जो है पूरा ठंडा जो है फ्रिज के जैसा पानी निकलता है, तो मेरे को यकीन नहीं हुआ बट मैं जाके देखा खुद अपने सामने से, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि हाँ ऐसा है। फिर मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि हाँ ऐसा रियलिटी में है क्योंकि ये साइड तो देख सकते हैं ये साइड जो है पानी पूरा सूखा पड़ा है और यहाँ पे पानी आ रहा है, तो मतलब कुछ तो जादू है उसमें। तो ये चीज़ था यहाँ पे और हम 2 दिन से थे, अपने को पता ही नहीं चला लेकिन मेरे को जैसे पता चला वैसे मैं आपको बताया। तो काफ़ी ये चीज़ अच्छा लगा, धार्मिक है मतलब अच्छा है। बोलते हैं यहाँ पे भोले बाबा का वो है ये मतलब भोले बाबा का मंदिर इसके लिए बनाया हुआ क्योंकि भोले बाबा का आशीर्वाद है, उसको ऐसे पानी आता है और इसके लिए उधर नहाने नहीं देते, गोड़ नहीं धोने देते। ये था यहाँ का कुछ शक्ति जो कि मुझे पता चला वैसे मैं आपको बताया। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और ये बात सच है नहीं है आप मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।